राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पहनावा और पहचान चाहे कम हो रही हो, परंतु आज भी गांवों में कहीं ना कहीं भेदभाव सुनने को नहीं परंतु देखने को मिलेगा। जातिगत पगड़ी और सापे से आज भी गांवों में जाति की पहचान की जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पगड़ी पहचान से जातिगत भेदभाव के बारे में। पगड़ी से क्या है, हमारे लोगों की पहचान है, कौन ब्राह्मण है, कौन सुधार है, कौन हरिजन है, मंचा सापा बांधते हैं, कौन सी पगड़ी किसमें चलती है, कैसे सब लोगों का प्रभाव है। तो हर जात की अलग अलग पगड़ी होती है, तो किस किस कलर की पगड़ी होती है जाति के हिसाब से? किसी को चिपके वाली होती है, किसी को अपना सादी पगड़ी होती है, पगड़ी का बहुत वेरिएशन होता है। इसके लिए पहचान होती है ये कि ये जात का कोई मेघवाल है, इसको पानी ऊपर से पिला रहे हैं, कोई गमेती है तो इसको पानी ऊपर से पिला रहे हैं। इसके लिए इसके पहचान के लिए ये हमारे ठेठ से परंपरा से चल रहा है, ये ऐसे चलता है कि कोई बराबर का होता है वाणिया बामण जो कोई हरदार है वो इसके पंडरे में हाथ गाल के पानी पी सकते हैं। ये दूसरे हटीक है, कोई मेघवाल है, कोई अमोक ऐसी जाति होती है तो इसको पंडरे के हाथ नहीं लगाने देते। पगड़ी से और ये साबा एक हमारा मान और सम्मान, एक स्वाभिमान का प्रतीक है मेवाड़, और ये पगड़ी एक हमारी आन बान शान है। पहले जो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी पहनने से बाकी समाज को किस तरह फायदा होता था? एक तरह से समाज के पंच पंचायत में उसका मान्यता होता था, जैसे ये पगड़ी वाला आदमी है इसको बीच में बिठाओ, उसको जो कुछ पंचायत करते हैं उसका सब लोग मानते हैं, लेकिन पगड़ी वाले बाजू में बैठते। आजकल पीछे वाले बच्चे लोग कोई पगड़ी बांधते नहीं है, रिवाजा बिठते जाता है, क्या करें। ये हमारे पुरखों की एक दी हुई एक वसीयत है, इसको सार संभाल रखना वर्तमान समय में अत्यधिक बहुत आवश्यक है। इस पगड़ी जो अभी नहीं पहनते, इससे क्या फर्क पड़ा है समाज पर? समाज पर बहुत फर्क पड़ा है, जैसे पहचान नहीं होती। ऐसा क्यों जरूरी है कि पगड़ी से जात को पहचानना जरूरी है? जात को तो पहचानना चाहिए ना, कोई कुमार है, कोई भील है, कोई पटेल है, कोई हरदार है, कोई खटीक है, तो पहचान तो होना जरूरी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बहुत पड़ता है, जैसे 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 है कि भाई कि ये कोई जा रहा है कि ये कौन ज्यादा होगा, कोई समाज को पहचानने के लिए कि भाई ये खटीक होना चाहिए, कोई देखे कि ये पटेल होना चाहिए, कोई देखे ये हरदार होना चाहिए, इसके लिए पहचान तो होना जरूरी है। आज भी चाहे हम 21 सदी में जी रहे हो, फिर भी आज कई जगहों पर परंपरा के ऊंच नीच जाति की भावना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं है, जिनसे कई गाँव में ऊंच नीच जाति को लोगों को अपने आप को दलित मानने के लिए मजबूर है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जाति देखकर ऊंच नीच की परंपरा ना करें, उन लोगों को वही सम्मान दे जो सबको मिलना चाहिए, ताकि वो लोग भी 21 सदी में सही मायनों में जी सके। मैं शंभू राज सवर राजस्थान के राजसमंद जिले के दिलड़ो गांव से, इंडिया अनहट के लिए।